हमारा गरम टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता टेस्ट में इतना अच्छा है कि आप खिचू, उपमा, लोचो सब कुछ भूल जाएंगे इसके आगे, और सिर्फ 5 मिनट लगता है ये बनाने के लिए। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है और इसमें दही और तिल, सिंगदाने, कॉर्नफ्लावर सभी हेल्थी चीजें हैं। आप ज्वार का आटा या बाजरे का आटा भी यूज कर सकते हैं, और ये फ्राइड फूड भी नहीं है तो आप इसे बार बार बना के खा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जयश्री और जयश्री किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे खट्टा आटा, जिसे गुजराती में खाटो लोट भी कहते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है और सिर्फ 5 मिनट में आप बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह की पकड़ में आपको कुछ नाश्ता बनाना हो टेस्टी, तो आप ये बना सकते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1¼ कप जितना मकई का आटा, कॉर्नफ्लोर, यहाँ 1¼ कप जितना दही लिया है, और ये क्रश पीनट, सेसमी सीड, तिल, हल्दी, सॉल्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, ऑयल, देसी घी और पानी लिया है। तो अब हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉट में दही डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1¼ कप जितना पानी भी ले लिया है। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। इसे बॉईल करना है हमें। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून जितना घी डाला है, और अब हम इसे बॉईल होने देते हैं कवर करके। तो ये पानी अब बॉईल हो गया है, अब हमें आंच को धीमा करना है। और अगर आप आपके पास ऐसा विस्क हो तो आप इससे हिलाइए ताकि अंदर गड्ढे नहीं पड़े। आप चम्मच से भी हिला सकते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा 1/2 कप जितना पानी और डालती हूँ। ये आपके आटे पर डिपेंड है कितना पानी इसमें जाएगा, तो 1.5 से 2 कप जितना पानी अंदर जाएगा। ये सॉफ्ट ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया। 1 चम्मच जितना घी और डालूंगी। अभी आप तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं, अच्छा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे 2-3 मिनट तक होने देते हैं। वैसे तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो लो, बन गया टेस्टी नाश्ता सिर्फ 5 मिनट में, और आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। आप बच्चे बूढ़े सभी को खुश कर सकते हैं, तो जरूर खुश होइए, सबको खुश करिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल बटन दबाना न भूले ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।